देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मोटर में से जो चार तारें हैं उनमें से आपको क्या करना है, दो तारें एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की आपस में कनेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर कोई भी दो तारें ले लेते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाल और एक काले रंग की तार को आपस में ऐसे कनेक्ट आपको पहले कर लेना है, और इसके बाद में ये जो दो तारें बच गई एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की, इसको आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर की दो तारें हैं उनके साथ कनेक्ट कर देना है। और अब फ्रेंड्स आपको मेन वायरिंग कनेक्ट करनी, देखिए यहाँ पर जो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में कनेक्ट किया इसके साथ, और जो लाल रंग की तार, एक लाल रंग की तार जो रनिंग की तार हमने कैपेसिटर के साथ कनेक्ट की है उसके साथ इसको नहीं करना है, इसको आपको टेप लगा देनी है बाद में। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों में न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए पंखा चलाने, तो पंखा हमारा उल्टा घूम रहा है यानी रिवर्स चल रहा है, ऐसे चल रहा है, लेकिन पंखा चलना ही चाहिए ऐसे यानी एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है, अभी क्लॉक वाइज हमारा पंखा चलना चाहिए था, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके साथ हुआ है या आप जब पंखे कनेक्शन कर रहे हो अगर आपका पंखा उल्टा चलने लग जाता है तो आप उसको कैसे रिपेयर करोगे, कैसे ठीक करोगे, वो अभी आपको बताते हैं, ठीक है। यानी पंखा उल्टा चलेगा तो आप समझ जाओगे कि भी आपका जो कनेक्शन है वो गलत हो गया, लेकिन इसमें गलत क्या होता है वो आपको अभी बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कनेक्शन हमने किए, देखिए यहाँ पर उन कनेक्शन को दोबारा से एक बार हटा लेते हैं, देखिए ठीक है। अब हटाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दोबारा से कनेक्शन करने हैं, ठीक है। यानी कि आपको दोबारा से रनिंग और स्टार्टिंग की वायर को कनेक्ट करना है, देखिए ठीक है। और दोबारा से बता देंगे आपको कि कैसे आपको जो कनेक्शन करने, गलती कहाँ पर आपसे हो गई है, ठीक है। एक रनिंग एक स्टार्टिंग को कनेक्ट कर दिया है, एक रनिंग स्टार्टिंग की तारें और बच गई, इन तारों को आपको कनेक्ट कर देना है इन कैपेसिटर के साथ। अब हम दोबारा चेक करते हैं, तो दोबारा चेक करें, देखिए यहाँ पर एक जो वायर है न्यूट्रल फेस की वायर, मतलब दोनों कहाँ कनेक्ट करनी है वो देख लीजिए, यहाँ पर इन दोनों में, इसमें और इसमें कनेक्ट करनी है। देखिए देखिए अभी हमारा पंखा जो है वो सीधा चलेगा, देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए ठीक है बिल्कुल सीधा चल रहा है। आपको ऊपर लगा के दिखा देते हैं इसकी वायर को, तो एक वायर हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, न्यूट्रल की वायर कर सकते हो, फेस की कर सकते हो, यानी न्यूट्रल और फेस आपको इन दोनों वायर में कनेक्ट करने हैं। तो अभी हम इसको ऊपर लटकाते हैं फिर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों पंखा हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, अभी अभी सीधा चल रहा है, मतलब हमने क्या किया वो आप देख लीजिए, वो आपको बता देते हैं अभी क्या किया हमने। तो देखिए पंखा हमारा एकदम क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर हम यहाँ पर उठा रहे हैं इसको, हमारा पंखा क्लॉकवाइज चलना चाहिए, क्लॉकवाइज हमारा पंखा ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो जो गलती है वो हमने क्या की थी, अभी कैसे चल गया और पहले कैसे नहीं चला वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या करना, हमेशा जब भी आपके साथ ऐसा हो, अगर मान लीजिए पहले जैसा ही चल रहा है, पहले जैसा कैसे चल रहा है वो अभी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लाल रंग की तार है जो रनिंग की, वो हमने पहले क्या की थी, पहले यहाँ पर कनेक्ट कर रखी थी, यहाँ पर जो उल्टे कनेक्शन इसलिए हुए थे कि लाल रंग की जो तार थी रनिंग की उसको हमने गलत कनेक्ट कर रखा था। तो जब भी आपका पंखा उल्टा चले तो आपको क्या करना है वो अभी एक सेकंड के अंदर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तारें दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया था वैसे, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ, वैसे ही चलेगा जैसे स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो शुरू की थी उस टाइम चल रहा था, वैसे ही आपको दिखा देता हूँ पंखा हमारा उल्टा चलेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए वो अभी आपको बता देता हूँ। जब आपका पंखा उल्टा चले तो केवल और केवल एक ही वायर आपको छेड़नी होगी, एक वायर अगर आप सही कर देते हो तो आपका पंखा सीधा चलने लग जाएगा और कनेक्शन भी आपके सही हो जाएगा, देखिए ठीक है। हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं और चलाते हैं अभी, देखिए ये देखिए उल्टा चल रहा है पंखा हमारा, जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था वैसे ही चल रहा है, ठीक है। बंद कर दिया, दोबारा ऑन करते, देखिए उल्टा चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। अब हम इसको आपको सही करके दिखाते हैं, केवल एक वायर बदलने से यह सही हो जाएगा। कैसे होगा, पहले हम मेन वायर हटा लेते हैं। तो अब हमने देखिए पहले क्या गलती की थी वो देख लीजिए, पहले हमने गलती की थी कि जो ये वायर थी ये हमने यहाँ लगा रखी थी, रनिंग की वायर हमने गलत लगा रखी थी, तब हमारा पंखा उल्टा चल रहा था, अभी भी हमने जो वायर है वो गलत लगा रखी थी। ऐसे आपके कनेक्शन अगर हो जाते हैं किसी वजह से तो आपको एक ही काम करना, और वो क्या करना है, जो ये रनिंग की वायर होती है रेड कलर की, इसको चेंज कर देना आपको, बस इतना ही काम करना आपको। तो अभी हम करके देखते हैं, चलिए यहाँ पर ये रेड वायर हटा ली और ये रेड वायर हटा ली, ठीक है। तो इस रेड वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस ब्लैक के साथ, यानी रनिंग और स्टार्टिंग की जो वायर है उसके साथ हमने आपस में कनेक्ट कर दिया रेड वायर को, और यहाँ पर जो ये वायर है रेड वायर, इसको हमने यहाँ पर कर दिया। रनिंग की वायर का ही सारा मसला होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, पहले हम यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया और अभी देखते, देखिए हमारा पंखा अभी यहाँ पर बिल्कुल सही चलेगा, और वो कैसे चलेगा आपको अभी मैं लगा के दिखा देता हूँ। इसको एक वायर हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर और एक वायर कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, यानी न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन आपको हमेशा ऐसे करने हैं। ये ब्लैक वायर जो है कैपेसिटर के साथ जो कनेक्ट होती है, मोटर में से जो एक वायर आती है स्टार्टिंग की, उसको कैपेसिटर के साथ जिसको कनेक्ट करते हैं उसका कोई काम नहीं होता, उसको हमें मेन सप्लाई नहीं देनी होती दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं और अभी चेक करते हैं, देखिए चेक करने के लिए स्विच ऑन करते हैं। देखिए जैसे स्विच ऑन किया हमारा पंखा बिल्कुल सीधा चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, अभी समझ गए आप। तो ऐसे आपको कनेक्शन करने हैं, पंखे के कनेक्शन भी समझ गए, और उसके अलावा आपको क्या है, पंखा जब उल्टा चले रिवर्स चले तो आपको क्या करना है वो भी आप समझ गए। लेकिन दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, एक चीज़ और भी होती है, वो क्या होती है, हम ये वाली वायर, देखिए
ये जो वायर है, जो मेन वायर है, एक वायर तो हम यहाँ से ही लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरी वायर है यानी न्यूट्रल या फेस, तो एक तो सही लगा दिया हमने, दूसरी वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं इस वायर के साथ। देखिए दोनों दिखने में सेम ही है, यहाँ पर जो ब्लैक वायर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, तो भी हमारा पंखा उल्टा चलने लग जाता है। कैसे चलता है दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर जॉइंट कर लेते हैं और इसको ऐसे जॉइंट करने के बाद, यानी न्यूट्रल और फेस के कनेक्शन भी हम गलत कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए चलाते हैं, देखिए हमारा पंखा उल्टा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये चल रहा है हमारे स्टार्टिंग की कोयल के ऊपर, रनिंग की कोयल के ऊपर नहीं चल रहा है, इसलिए पंखे की स्पीड भी कम होगी उस टाइम और पंखा आपका जल भी सकता है। तो इसलिए आप कनेक्शन करें हमेशा जो रेड कलर की वायर, रनिंग की वायर होती है, जो एक रेड कलर की वायर हो, कोई भी हो सकती है, आप पीले रंग की भी हो सकती है, नील रंग की भी हो सकती है, कोई भी कलर की हो सकती है, लेकिन आपको जो रनिंग की वायर, एक वायर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होती है, उसके साथ ही आपको न्यूट्रल या फेस के कनेक्शन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करेंगे, हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ ऐसे करने के बाद यहाँ पे इसको लगा के आपको दोबारा से दिखा देते हैं फाइनल कनेक्शन। ये देखिए इस प्रकार से आपको कनेक्शन करने, पंखा बिल्कुल ही सीधा चलेगा, लाइफ पंखे की सही होगी, स्पीड भी पंखे की सही होगी अगर आप इस प्रकार से कनेक्शन करते हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे जो मैंने बात आपको बताई है, पंखे कनेक्शन कैसे करते हैं चार तार वाले पंखे के, और जो इसका अगर रिवर्स की दिक्कत है, रिवर्स का इशू है, रिवर्स चल रहा है आपका पंखा, तो उसको भी आप कैसे ठीक कर सकते हो, वो भी हमने आज की वीडियो में आपको बताया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं एक और वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।